अगर आपको लगता है कि आप पर पितृ दोष है, या फिर आपके पितर आपसे गुस्सा है, या फिर पितरों के क्रोधित हो जाने की वजह से घर में कलेश या फिर व्यवसाय दुकान आज ठीक तरीके से नहीं चल रही है, तो श्राद्ध पक्ष में जो कि 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक श्राद्ध के 16 दिनों में ये शिव पुराण का उपाय करके आप अपने पितरों को यानी पूर्वजों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रयास करना, एक कटोरी भर के चावल ले लेना। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दूर्वा रख लेने के बाद आप जहां अपने किचन यानी कि रसोई में पानी भरकर रखते हैं, बाल्टी में या फिर मिट्टी के मटके में, जहां पर भी आप पानी रखते हैं अपने किचन में, वहां पर एक कटोरी रख देना और वहीं पर एक घी का दीपक जला देना। वैसे अगर आप ये उपाय पितृपक्ष के पहले दिन से कर लेते हैं और 16 दिन तक जब तक पितृपक्ष समाप्त नहीं होते तब तक ये कटोरी रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पर फिर भी जो पहले दिन से ये उपाय ना कर पाएँ वो पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी दिन से ये उपाय कर सकते हैं। जब ये उपाय आप कर लें तो उसके बाद 2 या 3 दिन या 16 दिन जितने दिन भी ये कटोरी आप रख पाएं उतने दिन कटोरी को रखे रहने दीजिएगा, केवल पितृपक्ष हो बस उसमें ही। फिर उसके बाद जैसे कि आप 3 दिन ही उस कटोरी को रख पा रहे हैं किसी वजह से, तो उसके बाद उस कटोरी से आप दूर्वा और बेलपत्र को निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और जो कटोरी का चावल है उसे पूरे घर में घुमाने के बाद आप चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को खिला दीजिएगा। दोस्तों ये पितृदोष के निवारण का सबसे सुंदर और सरल उपाय है। शिवपुराण में ये वर्णित है कि पितृपक्ष में कोई ऐसा घर नहीं होता जिसके यहाँ के पितर उसके घर ना आते हों। हमारे पूर्वज श्राद्ध के दिनों में अपने अपने घर जरूर आते हैं, इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से सौभाग्य बढ़ता है, उन्नति होती है, यश कीर्ति बढ़ती है। और हाँ, अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।